मेरा नाम फाइजा रिजवी है। मैं NHS के लिए स्टाफ प्रोवाइड करती हूँ, क्लिनिकल स्टाफ, डॉक्टर्स एंड नर्सेज। इस वक्त पेंडेमिक की वजह से पूरी NHS में स्टाफ की कमी हो गई है, आपको सबको मालूम ही होगा, पूरी दुनिया में इनफैक्ट कमी हो गई है। तो हमारी कंपनी जो है इमीडिएट मेडिकल सॉल्यूशन, आपको नंबर नीचे नज़र आ जाएगा, हमें कॉन्ट्रैक्ट है कि हम NHS को स्टाफ प्रोवाइड करें। इस वक्त हमें कंसल्टेंट से लेके सीनियर रजिस्ट्रार तक की ज़रूरत है। कंसल्टेंट मेडिसिन, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, हिस्टोपैथोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, रेडियोग्राफर, रेडियोलॉजी, इनफैक्ट इंटरवेंशन रेडियोलॉजी की ज़रूरत है, और नर्सेज, थिएटर नर्सेज की ज़रूरत है हमें, ITU नर्सेज की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ 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 आप लोग अप्लाई करें, मुझे मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए, तो मैं आपको वहां से गाइड करूंगी। हमारे पास इस वक्त दुनिया के किसी कोने से भी डॉक्टर्स, नर्सेज और क्लिनिकल स्टाफ लाने का परमिट है NHS के थ्रू। तो प्लीज आप आगे भी इसको बढ़ाइए, अपने जान पहचान और अपने बाकी नेटवर्क्स में इसको भेजें, किसी का भला हो जाए, हमारा भला हो जाए, अवाम का भला हो जाए, पूरी जिसको कहते हैं ना तमाम बीमारों का मदद हो जाए। पाकिस्तान के हिसाब से पाकिस्तानी डॉक्टर्स और पाकिस्तानी नर्सेज का यहाँ काफी इज्जत है, स्पेशली डॉक्टर्स का। मैं अपनी कंपनी से अगर कोई यूरोपियन डॉक्टर भेजती हूँ NHS को या पाकिस्तानी डॉक्टर्स, टू बिलीव यू मी, वो पाकिस्तानी डॉक्टर्स चूज करते हैं क्योंकि उनका स्किल्स इतने अच्छे हैं, उनका एक्सपीरियंस इतना अच्छा है। तो इसलिए पाकिस्तानी डॉक्टर्स जो है ना, वो प्लीज प्लीज सामने आइए, अप्लाई करें। अगर आप देखिए तो हाफ ऑफ द NHS इज बींग रन बाय पाकिस्तानी डॉक्टर्स। GPs जो है वो 50% पाकिस्तानी है, हॉस्पिटल में काफी ज्यादा पाकिस्तानी है। तो पाकिस्तानी डॉक्टर्स स्किल्स बहुत अच्छा है, उनकी पढ़ाई जो है वो यहाँ के मेयार के हिसाब से है। UK में डॉक्टर्स की इसलिए ज़रूरत है कि NHS में पहले भी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी, ये तो गवर्नमेंट ने खुद एक्सेप्ट किया हुआ है कि इनको 7,000 से 8,000 डॉक्टर्स और 50,000 से 60,000 नर्सों की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे मुफ्त NHS में इलाज होता है और NHS जो है वो एक बहुत बड़ा इदारा है, मगर इनकी जो अपनी कैपेसिटी है ये इतना प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कॉमर्स में या बिजनेस में जा रहे हैं, और इतना हार्ड वर्किंग नहीं है यहाँ की कॉम अनफॉर्चुनेटली, तो डॉक्टर्स कम बन रहे हैं और इनकी कैपेसिटी बहुत कम है, जबकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोगों को शौक है डॉक्टर। करंट सिचुएशन डॉक्टर्स की ये है कि NHS ने यहाँ पे अलाउ कर दिया है कि बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो खुद चले गए हैं फर्लो के ऊपर, या वो लोग शील्ड कर रहे हैं, जिसकी वजह से जॉब्स जो है ना वो अनकवर्ड है। यहाँ पे पाकिस्तान में डॉक्टर्स का यहाँ पे अप्लाई करने के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि आपकी जो डिग्री है वो यहाँ पे रिकग्नाइज्ड है, पाकिस्तानी डिग्री जो 5 साल की है वो रिकग्नाइज है, और सिंपल एग्जाम्स है उसका, पार्ट वन तो पाकिस्तान में ही हो जाता है, उसके बाद यहाँ आके करें सीधी रजिस्ट्रेशन। और पाकिस्तानी डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किए जाते हैं, हमसे सपोर्ट लीजिए, आप मुझे कॉन्टैक्ट करें, आई विल गाइड यू थ्रू द होल प्रोसेस। इंग्लिश एग्जाम देना पड़ता है, उसके बाद Plab 1 Plab 2, मगर डिग्री आपकी रिकग्नाइज है जो कि, और इवन अगर पाकिस्तान में आपने FCPS या MCPS किया हुआ है तो स्ट्रेट आप एग्जाम्स भी बगैर पास किए यहाँ पे डॉक्टर्स रजिस्ट्रेशन।